हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी बेहतरीन। काफ़ी लंबे टाइम से कोई वीडियो नहीं आया था चैनल पर, लेकिन आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें काफ़ी काम आता है। गाइस, जो टॉपिक है वो ये है कि यदि हमें ट्रेन के अंदर वेटिंग टिकट्स देखने को मिल रही हैं, तो हमें उसको कैसे कन्फर्म टिकट्स मिल सकती हैं। मतलब एक छोटी सी आपको टिप मैं शेयर करता हूँ। कई बार क्या होता है कि ट्रेन में सीट्स होती हैं, लेकिन वो हमें वेटिंग शो करती हैं। अगर ट्रेन काफ़ी ज़्यादा रश है और उसमें सीट है ही नहीं, तो उसमें तो देखो कुछ नहीं हो सकता है। वहां तो क्या है कि वेटिंग रहेगी, तो वो आरएसी वगैरह लगती है उसके ऊपर, तो वहां आपको टिकट नहीं मिल पाएगी। लेकिन एक ट्रिक है, वो मैं आपको दिखाता हूं। मतलब आप बोल दीजिए कि वो एक थोड़ा सा हैक है, कि अगर उसको हम करके देखते हैं तो हमें टिकट्स मिल जाती हैं। क्योंकि कई केस में क्या होता है कि गाड़ी के अंदर अलग अलग कोटे होते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि मतलब जैसे कि कोई जंक्शन रहता है ना, वहाँ से ट्रेन के अलग अलग डिब्बे डिवाइडेड होते हैं, तो हमें उसी हिसाब से वो सीट्स भरते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे, आपको बुकिंग के टाइम पर ये चीज़ आप अपनाएंगे तो हो सकता है कि आपको यदि वेटिंग टिकट मिल रही है वो कन्फर्म मिल जाए। तो गाइज़ ये ज़रूर अपना के देखना। तो चलिए, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ IRCTC ऐप में, वहीं पर आपको सारी प्रोसेस एक्सप्लेन कर। देखो दोस्तों, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ से आपको टाइप करना है, IRCTC साइट पर चले जाना है, या फिर ऐप में भी आप कर सकते हैं। और देखिए गाइस, यहाँ से मैं IRCTC ऐप को ओपन करता हूँ, तो जो हमें पहली साइट से, गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि IRCTC साइट से ही आपको बुक करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो हमें ट्रेन टिकट मिलती है वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे मिलती है। बाकी जो वेंडर्स होते हैं, पेटीएम वगैरह, वहाँ से ट्रेन टिकट बुक करने में हमें जो होता है वो जो सेम डिब्बे के अंदर या सेम कोच के अंदर नहीं मिल पाती हैं सीटें, तो यहाँ से जो है सीट हमें सही मिलती हैं। तो आप इसी से अपनी ट्रेन की टिकट बुक कीजिए। अब देखिए गाइस, आपको जो मैं बग बताने वाला हूँ वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ से देखिए, मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि उसी ट्रेन में, सेम ट्रेन में टिकट जो है वो वेटिंग रहेगी, और फिर उसी ट्रेन में वो टिकट जो है वो कंफर्म शो होगी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ से मुझे जबलपुर के लिए जो ट्रेन है, जबलपुर से जो मैं ट्रैवल करता हूँ उस ट्रेन का मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप सभी ट्रेन में अप्लाई करके देख सकते हैं। और मुझे जो है जयपुर तक जाना रहता है, तो देखिए गाइस, जयपुर तक मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने डेट सेलेक्ट की, लाइक मैंने आज तो वो ट्रेन निकल गई है, तो कल की डेट में हम देखते हैं। तो कल की डेट में जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, देखिए गाइस, यहाँ से जो है सारी टिकट्स जो हैं वो हमें वेटिंग में दिखा रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो सारी टिकट्स जो हैं वो वेटिंग में दिखा रहा है। यहाँ पर वेटिंग 12 है, 17 तारीख की डेट में आप आराम से देख सकते हैं। और यही देखिए, AC थर्ड में भी 27 वेटिंग है यहाँ पर, और AC टू टायर में 10 वेटिंग है। अब देखिए गाइस, इसी ट्रेन के अंदर हमें जो है सीट लेनी है, और मैं इसी ट्रेन के अंदर कन्फर्म सीट लेके जाता हूँ, वो भी एक दिन पहले। और ये जो है ट्रिक को किसी को पता नहीं रहती है। तो गाइज़, ऐसा नहीं होता है कि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्हीं पर अच्छे वीडियो मिलते हैं आपको। यहाँ से मैं आपको जो टिप बताने वाला हूँ ये कहीं नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब पर। तो देखिए गाइज़, यहाँ से जो हमारी ट्रिक अब स्टार्ट होती है, हमें बैक आ जाना है यहाँ से। और अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें फिर से वहीं पे आना है जहाँ से हम ट्रेन सर्च करते हैं, और बुक टिकट पे चले जाना है। यहाँ से आपको फिर से सर्च करना है, जैसे मैंने पिछली बार सर्च किया था कि जबलपुर से जो जयपुर की जो ट्रेन होती है। तो गाइस एक्चुअली मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कोटा होता है हर जगह का वो होता है, तो जयपुर और जबलपुर यानी कि एक जंक्शन है, यहाँ पर जो है जयपुर का एक कोटा होगा। लेकिन इससे आगे एक स्टेशन पड़ता है, वो है गाइस फुलेरा पड़ता है, वो जस्ट नेक्स्ट स्टेशन है। तो उसकी ट्रेन वहाँ पर क्या होता है कि सवारियाँ कम रहती हैं, तो और जो ट्रेन की मतलब एंडिंग भी रहती है वहाँ उससे आगे अजमेर में, तो अब हमें वहाँ तक की टिकट बुक करनी पड़ेगी। गाइस ये आपका बग है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, अब जैसे ही हम इस पर सर्च करते हैं, यहाँ से मैंने सर्च किया, थर्ड इकोनॉमी पर सिलेक्ट किया। देखिए गाइस, अब सेम ट्रेन है, सेम डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 62 सीट्स अवेलेबल है, और यहाँ पर थर्ड एसी में 139 सीट्स अवेलेबल है। गाइस सेम ट्रेन में ऐसा क्यों कैसे हो सकता है? तो आपको करना क्या है कि जो एक स्टेशन बाद का आपको स्टेशन सेलेक्ट करना है, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं गाइस। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये तो आपको पता लग गया कि यहाँ से कन्फर्म सीट मिल गई है, हमें अवेलेबल हो गया है। अब जैसे ही मैं जयपुर से वापस आता हूँ, तो वहाँ पर भी सेम यही होता है। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइज़, अपना आगे देखना।
कई बार क्या होता है कि ये एजेंट के चक्रों में पड़ते हैं, एजेंट भी हमें ऐसे ही कंफर्म टिकट देते हैं। तो आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इससे अपना के देखना, बिल्कुल भी आपका पैसा बचेगा। देखिए गाइस, जयपुर से जबलपुर डायरेक्ट मैंने ट्रेन बुक की है, कल की डेट में हम बुक करते हैं 17 की में, क्योंकि आज की जो ट्रेन है वो 5:30 बजे बोर्डिंग हो जाती है वहाँ से। तो अब देखिए, मैं जैसे ही सर्च करता हूँ, सर्च करेंगे हम यहाँ से, थर्ड एसी को सिलेक्ट करेंगे। अरे यार, वेटिंग है यहाँ तो 18 वेटिंग है। अब देखिए यहाँ पर 52 वेटिंग है भाई, बड़ी वेटिंग चल रही है, यही दिखाया जाता है हमें। तो आप लोग सोचते हो कि अच्छा, ट्रेन में तो वेटिंग लगी हुई है। अब जस्ट एक ट्रिक अप्लाई करनी है गाइस, हम जयपुर से जबलपुर बुक कर रहे थे ट्रेन को, अब हमें सेलेक्ट करना है एक स्टेशन पीछे का। तो देखिए गाइस, इस जो ट्रेन का जो है वो पिछला स्टेशन है जयपुर से जो है वो है फुलेरा जंक्शन, और यहाँ से इसका जो है जबलपुर के लिए बुक करना है, या फिर मतलब उससे पहले का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो आपने जहाँ से आपको टिकट नहीं मिल रही है उससे एक स्टेशन पीछे का सिलेक्ट करके देखिए गाइस। तो देखिए, अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए 17 तारीख की सीट अवेलेबल है यहाँ पर। थर्ड एसी में देखिए, यहाँ पर 27 सीट अवेलेबल है। सेकंड एसी में देखिए, तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा है कि यहाँ से और आपको सीट्स आसानी से मिल जाएंगी इसके अंदर, और ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है और वो काफ़ी परेशान होते हैं इसके चक्कर में। तो गाइज़ देखिए, मैंने आपको काफ़ी अच्छी हेल्प की है इसको बताकर, और आपको ऐसी ही टिप्स चाहिए ना तो मैं आपको इसी चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। ये मेरी खुद की, जो बोलते हैं ना, खुद की जनरेट की हुई चीज़ें होती हैं, और ये आपको कहीं नहीं मिल सकती, ना किसी से मैंने कॉपी की है, खुद मैं यूज़ करता हूँ, आपको भी शेयर कर देता हूँ। तो आप यूज़ कीजिए, आपके भी फ़ायदा होगा इससे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस। और बस इतना ही था इसके अंदर बताना था आपको। कोई दिक्कत आ रही है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, ठीक है। ऐसी कोई बात होती है तो आपको कंफर्म सीट नहीं मिलती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट इंस्टाग्राम मैंने दिया हुआ है अपना, और व्हाट्सअप भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर यदि आपकी मदद इससे हो गई है, यानी कि आपकी टिकट आपको कंफर्म मिल गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इसी चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस, ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। तो गाइस चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।